गुरु जी, दुनिया में लोग इतने पीड़ित क्यों हैं? इतना कष्ट क्यों लेना पड़ता है लोगों को? ऐसे किसी ने मुझसे पूछा आज। तो उत्तर यही है कि हर कष्ट और हर पीड़ा शुरू होता है सही और गलत का फर्क ना जानने से। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते कि अपने सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर किसी रिलेशनशिप में आप एक अग्रीमेंट पे नहीं आ सकते कि सही क्या है और गलत क्या है, तो बहुत आपको कष्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने आप से भी सही और गलत के बारे में आर्ग्यू करते हैं कि ये रास्ता सही रहेगा कि वो रास्ता सही रहेगा। तो इस दौरान क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है, पेन होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये होगी, ये नॉट नोइंग राइट एंड रॉन्ग, ये हो गया एक एक कारण। और दूसरा कारण है कि लोगों को फिश। ठीक है, तो कुछ अगर आपको हासिल करना है तो बहुत पेशेंस लगता है। और अगर आपके एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जल्दी हो जाएगा या अभी हो जाएगा या कल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता, जब वो नहीं होता है तब आपको बहुत पीड़ा होता है। और इसका सोल्यूशन है, पेशेंस बढ़ाओ। सोचो कि जो भी वो इतना समय लेगा और जितने समय में वो मुमकिन है उतने समय में हो जाएगा। ये अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो आपको कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही कारण हैं पीड़ित होने के लिए। आप गौर से सोच के बताइए कि आप इन दोनों कारण में से कौन से में फंसे हैं, और इसके बाहर आने का सोल्यूशन अगर आप चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है यार। आपको अग्रीमेंट पे आना है। ठीक है, कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी को मारना सही है या गलत, बोलो सही है कि गलत है? किसी को मारना, जान से मारना, लोग बोलेंगे कि गलत है। लेकिन अगर आप सैनिक हो जो बॉर्डर पे स्टेशन है और कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है देश को, तो उसको मारना तो सही ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है ना। तो कोई कार्य सही या गलत नहीं होता। लोगों को कोई एब्सोल्यूट मॉरल्स चाहिए कि सही और गलत एक किताब में लिखा होना चाहिए और यही यही हम करेंगे। ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन पे निर्भर करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप करोगे। ज़्यादा योगा कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कीजिए।